बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज GIT MCQs। स्टार्ट करते हैं तो क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के बारे में क्या बात गलत है। तो क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस हैज नो एसोसिएशन विद अ गॉल ब्लैडर या गॉल स्टोन। तो गॉल स्टोन की वजह से क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस और जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो भी गॉल स्टोन की वजह से होता है, जिसको कोलेलिथियासिस कहते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में क्या बात गलत है। मोर देन 99% कैंसर जो कोलोरेक्टल कैंसर होते हैं एडीनोकार्सिनोमा वाले होते हैं, स्क्वेमस सेल वेरिएंट वाले नहीं होते। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में क्या बात खराब है या गलत है। इओजिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस ये फीमेल को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता होता है, आपको एलर्जी वाली पेशेंट में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनॉइड ट्यूमर तो अपेंडिक्स आ जाएगा। सिलिक डिजीज को सिलिक सुप्रू भी कहते हैं, जो एच पायलोरी या पेप्टिक अल्सर करवाता है बाय नॉट इन्वेडिंग म्यूकोसा बट सिक्रेटिंग प्रोटीएसिस है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एच पायलोरी की वजह से होता है। हेपेटाइटिस के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है, ओके, वायरल्स की जो रेप्लिकेशन है वो HBEG की वजह से शो होती है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड के लार्जमेंट है, इसको हम जोसेफ मैरी नोड भी कहते होते हैं आई थिंक। तो ये मेटास्टेटिक कैंसर है, किसका? स्टोमक का, डिफ्यूज कैंसर है। द कॉमनस्ट ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर तो कौन सा होता है? कार्सिनोमा होता है। ओके, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रिगार्डिंग द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक्सेप्ट 60-80 हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा राइज इन द सिरोटिक, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी यहीं से राइज करती होती है। तो ये बात गलत है, सॉरी ये बात ठीक है, 60-80 सॉरी राइज करती होती है। PAS एज अ यूजर ट्यूमर मार्कर गलत। हेपेटोसेलुलर कार्स कैंसर को अल्फा फीटो प्रोटीन को हम यूज़ करते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के ट्यूमर मार्कर पर। याद करना कि अल्फा फीटो प्रोटीन यॉर्क सैक ट्यूमर के अंदर भी आ जाता है। द फॉलोइंग एजेंट डज नॉट लीड टू द क्रॉनिक हेपेटाइटिस, तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ई की वजह से नहीं होता, बी सी की वजह से देखने को मिल सकता है, क्लियर। इसके बाद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन का मतलब वहाँ पे लीवर पड़ा हुआ होता है। एसआईटीज है, हेमाटोमेसिस और हेपेटोमिगैली है, थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक वेन है। तो ये बुच्चारी सिंड्रोम में होता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर जो ट्यूमर मार्कर है वो अल्फा फीटो प्रोटीन होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और कॉपर का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन है, तो ये विल्सन डिजीज है जिसमें केस ऑफ फ्लैशरिंग आती है। बैरेट इसोफेगस की वजह से डीनो कार्सिनोमा, अल्कोहल टोबाको की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सिलिक डिजीज के अंदर टी सेल मीडिएटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, ऑटोइम्यून डिजीज होता है। कॉमन साइट ऑफ गट कार्सिनॉइड ट्यूमर, तो यहाँ पे इलियम लिखा हुआ है, बात गलत है तो कंफ्यूज करने के लिए अपेंडिक्स है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज डिफाइंड एज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द म्यूकोसल एट्रोफी एंड इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस ये क्यों होता है? डिफेक्टिव इसोफेजियल एंटी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से, और इसकी वजह से बैरेट इसोफेगस हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद है कि एक्यूट लीवर डिजीज और क्रॉनिक लीवर डिजीज को सेपरेट करने के लिए हम एल्ब्यूमिन देखते हैं। अगर एल्ब्यूमिन कम हुई पड़ी है तो सिरोसिस है। चौथा, फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरसेस हैव पेरीनेटल ट्रांसमिशन, तो वो बी और सी, लेकिन ज्यादातर सिग्निफिकेंट होती है वो बी की होती है, जबकि प्रेगनेंसी के अंदर फुलमिनेंट हेपेटाइटिस ई की वजह से होता है, क्लियर। वही बात होगी, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस है, ओके, क्लियर। पेशेंट के अंदर, खासतौर पर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, तो वह हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस ई वाला अगर प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो हेपेटाइटिस ई है, लेकिन फुलमिनेंट हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है, खासतौर पर सी की वजह से होता है, ओके। रॉकेटेंसी एसोफ साइनस आपको इसमें देखने को मिलती है, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस के अंदर होती है। सिगरेट रिंग मॉर्फोलॉजी डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में होती है। एच पायलोरी इफेक्ट था क्रॉनिक यानी एच पायलोरी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस करवाता होता है, ओके। इसके बाद है हमारा कि इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज के अंदर जो प्राइम कल्पिरेट होते हैं वो हेल्पर टी सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंटीबायोटिक यूज़ की वजह से आ सकता है, कौन सी एंटीबायोटिक होती है? ओके, लाइक अब सेफलोसपोरिन यूज़ करने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विटामिन B12 का लेवल कम हो गया है, क्लियर। तो ये आपको किस में देखने को मिलता है? एरिट्रोफिक गैस्ट्राइटिस या ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में देखने को मिलता है। इंटरमिटेंट डायरिया अल्टरनेटिंग विद अ कॉन्स्टिपेशन है, टेंडनेस है, इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू द रेक्टम है। तो ये क्या होगा? अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। एच पायलोरी को कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? कोलोनोस्कोपी से कभी भी नजर नहीं आएगा, क्लियर। वो तो एंडोस्कोपी होती है। मेलोरी बॉडीज आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रूराइटस है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल ज़्यादा है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर, जबकि वहाँ पर आपको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी देखने को मिलती है प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस के अंदर, क्लियर। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर अल्फा बीटा प्रोटीन का लेवल ज़्यादा आता है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, रेडिएटिंग पेन टू द बैक, तो ये निशानी होती है किसकी? गॉल स्टोन की या पैनक्रियाटाइटिस की, तो ये गॉल स्टोन है। इसके बाद है कि विंडो पीरियड क्या होता है? HBsAg की डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडी। सीरोलॉजिकल मार्कर जो कि इनफैक्ट रिकवरी को शो करता है, तो एंटी HBs यानी जो एंटीबॉडीज होती है, क्लियर। इसके बाद लो ग्रेड फीवर, पोलियोआर्थराइटिस, उर्टिकेरिया है, हेपेटाइटिस की हेपेटाइटिस वाला पेशेंट था, क्लियर, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया उसको? तो उसमें क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ELT AST यानी नर्स के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही है, और उसने केयर की थी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट की, तो आपने ELT AST के लेवल चेक करना, तो हेपेटाइटिस में बढ़ जाएगा, ओके। हेपेटाइटिस ए के बाद आपको IgM एंटीबॉडी की इंक्रीज देखने को मिलती है, फिर इसके बाद आपको IgG का लेवल देखने को मिलता है। रिसेंट में IgG और जो
पुराना होता है वो IgG होता है। HBsAg NTHBC ओके, यानी एंटीजन मौजूद है NTHBC, उसका मतलब है एक्यूट फेस हेपेटाइटिस बी वायरस है, क्लियर। एंटीजन मौजूद है और एक एंटीबॉडी मौजूद है कोर एंटीजन वाली। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा फीटो प्रोटीन, ये किस में होती है? हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा में होती है, कैरियर स्टेट ए के अंदर नहीं होती। बैरेट इसोफेगस क्या होता है? बैरेट इसोफेगस में रिप्लेसमेंट होती है किसकी? एपिथीलियम की, ओके। यानी कलमनर मेटाफिलीजिया देखने को मिलता है, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम लोअर 1/3 के अंदर कलमनर एपिथीलियम से कन्वर्ट हो जाती है। सीवियर ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से लो गैस्ट्रिक एसिड लेवल देखने को मिलेगा, एक क्लोरीडिया हो जाएगा, पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा, ओके। इसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मेडिकेशन ले रही थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, यानी पेन किलर वाली, तो उसकी वजह से आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डिस्पेजिया है फल फंगेटिंग अल्सरेटिव मैस है, क्लियर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी अपर 1/3 या मिडिल 1/3 में है, तो ये है स्क्वेमस और कार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ पैनक्रियाटिक न्यूप्लाज्म, तो सबसे ज्यादा होती है हेड ऑफ पैनक्रियास के अंदर होती है, हेड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनीमिया है, एपिगैस्ट्रियम में मैस है, लार्ज सुपराक्लेविकुलर लिम्फ नोड है, तो स्टोमैक का कैंसर है, बायलैटरल और डिफ्यूज कैंसर होता है। वैसे बायलैटरल क्या, एक ही तो स्टोमैक होता है, लिम्फेडिनोपैथी आपको बायलैटरल देखने को मिलती होती है, ओके। पहले बताया गया है कि प्रीवियस अटैक था मीजल्स का, अल्सरेशन हो गई है किसकी? ओरल म्यूकोजा की, अल्सर पेनफुल है और वाइट मेम्ब्रेन से चढ़े हुए हैं, तो ये इसका डायग्नोसिस क्या होगा? कैंडिडा अल्बिकाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में क्या बात गलत है, तो एडिनो कार्सिनोमा वाले होते हैं, स्क्वैमस और कार्सिनोमा वाले नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया है कि अच्छा, थिकनिंग ऑफ टर्मिनल आइलियम, एडिमा, नैरोइंग ऑफ ल्यूमिन और स्किप लिगम, तो ये कौन सा डिजीज है? क्रोहन डिजीज है, ओके। इट कैन कॉज फिस्टुला फॉर्मेशन बिटवीन द लूप्स, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रीकर्सर लिगम ऑफ एडिनो कार्सिनोमा, तो ये कौन से होते हैं? विल्लस एडिनोमेटस पॉलिप होते हैं, कलमनर इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, बैरेट इसोफेगस के जो कॉमनेस्ट काज होता है वो जर्ड होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है अटैक ऑफ मीजल्स है, वन सेकंड कैंडिडा का सिनेरियो दिया हुआ है, हीप टॉप मार्जिन, ये किसमें देखने को मिलते हैं? मैलिग्नेंट अल्सर में देखने को मिलते हैं। इसोफेजियल कार्सिनोमास ऑफ हेमाटोमेसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉरेन एक्सेप्ट हाइटल हर्निया, हाइटल हर्निया की वजह से जर्ड हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, ये काफी ज्यादा रेयर होती है, ओके। स्किप लिगम आपको क्रोन डिजीज में देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी होता है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस किससे नहीं होता, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंपेटेबल विद एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, तो जो बायोप्सी होती है, बायोप्सी शो नेक्रोसिस ओनली ऑफ फ्यू सेल, मैसिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है, क्लियर। डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, तो आपने एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी देखनी है, IgM टाइप की होती है, एक्टिंग अगेंस्ट बाइल डक्ट कंपोनेंट, ओके। कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियासिस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? वर्चुअली ऑल कैंसर अराइजेस अंडर एसिनार एपिथीलियम, सारे के सारे नहीं होते, बाकी सारे बातें ऑलमोस्ट ठीक है, ओके। एडिनोकार्सिनोमा है, एडिनोकार्सिनोमा बैरेट इसोफेगस की वजह से होता है, इसोफेगस का मैसिव इलाजमेंट ऑफ स्प्लीन किसकी वजह से नहीं हो सकती? ये प्लास्टिक एनीमिया की वजह से स्प्लीन की इलाजमेंट नहीं हो सकती। रिकवरी इम्यूनिटी के लिए आपने एंटीबॉडीज को देखनी है, NTHBS को देखना होता है, क्लियर। इसके बाद है कि HBsAg को पॉजिटिव है तो कौन सा सीरोलॉजिकल मार्कर आपने देना है? HBsAg को देखना है और हेपेटाइटिस ई पॉजिटिविटी के लिए, ओके। और एंजाइम्स के अंदर हमारे AST ALT आ जाती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 64 ईयर ओल्ड है, हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव आ गया है, क्लियर। ATP का लिम्फोसाइट है, यानी कहने का मतलब है कि उसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, तो क्या होता है? अल्फा फीटो प्रोटीन के लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पैनक्रियाटाइटिस होता है ना, पैनक्रियाटाइटिस वो किस एंजाइम की एक्टिवेशन की देखने को, किस एंजाइम की एक्टिवेशन की वजह से होता है, तो वो ट्रिप्सिन एंजाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ओके। आउटब्रेक ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस है, ओके, और फीकल ओरल रूट से, तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, इस मोस्ट लाइकली अक्कर आफ्टर द एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो सी वायरस की वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस देखने को मिलता होता है, क्लियर। लिवर बायोप्सी के अंदर पोर्टल ट्रैक ब्रिजिंग फाइब्रोसिस रीजनरेशन, तो ये क्या सिरोसिस की डेफिनेशन है, ओके। एपिगैस्ट्रिक पेन है, पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए आपने जो बायोप्सी लेनी है गैस्ट्रिक एंट्रा में लेनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर या अल्सरेशन देखने को मिलती है। मोस्ट फ्रीक्वेंट इसोफेजियल मैलिग्नेंसी, तो हमारी कौन सी होती है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होती है, मोस्ट कॉमन। इसके बाद नेक्स्ट है कि 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ इंटरमीटेंट बर्निंग सबस्टर्नल पेन, यानी जर्ड की हिस्ट्री है, एसिड रिफ्लक्स डिजीज है। विच सलाइवरी ग्लैंड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट फॉर ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट, तो पैरोटाइड के अंदर बहुत ज़्यादा ट्यूमर होती है, कैंसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी है, इंटरफेस हेपेटाइटिस है, प्लाज्मा सेल है, तो ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी आती है। इसके बाद कुछ रह गया, ओके। इसके बाद स्मोकर है, ओके, स्मोकन की वजह से क्रोन डिजीज एग्रेवेट हो जाता है, जबकि वो ठीक हो जाता है। क्रिएट एब्सेस अल्सरेशन है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? क्रोन डिजीज में देखने को मिलती है, ओके। विशु नॉट की इलाजमेंट हो गया, सुपरा क्लेविकुलर नॉट, आई थिंक इसको विशु नॉट कहते थे, तो ये स्टोमक का कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको एडिमाटस अपीयरेंस देखने को मिल रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री है, क्लियर। लीजन
डिस्टल और प्रॉक्सिमल एजेस के ऊपर एब्रप्टली एंड हो गई है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इन्होंने इस्कीमिक बाउल डिजीज़ कहा है, ठीक है। हिस्ट्री हो सकती है हमारी सीवीएस के डिजीज़ की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रिकरेंट एपिसोड ऑफ डायरिया, साइनोसिस, फ्लशिंग, ये सारे किस में आती है, ये आपको कार्सिनाइज ट्यूमर में देखने को मिलती है। ओके, विंडो फेस के अंदर आपने क्या देखना होता है, विंडो फेस में आपने एंटी एचबीसी को देखना, क्योंकि ना तो आपको एंटीजन मिलेगा ना ही एंटीबॉडी मिलेगी, लेकिन कोर एंटीबॉडी आपको मिल सकती है।